सर्दियों ने दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों की एक बहुत ही खास और सिंपल सी, बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक पालक के रायते की रेसिपी। ये रायता बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, और ये आपके हर खाने के स्वाद को इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि आप रोज इसे बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नेहा की पाकशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। पालक का रायता बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम पालक ली है, जिसके कि मैंने केवल पत्ते पत्ते लिए हैं और डंडियाँ अलग कर दी हैं, और पालक को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से साफ पानी में धो लिया है, जिससे कि इसमें जो भी धूल मिट्टी होती है वो सारी निकल गई है। तो अब हम इसको बॉईल करेंगे। पालक को बॉईल करने के लिए हमने एक पैन में पानी लिया है, गैस को ऑन करके हाई फ्लेम पे रखेंगे और पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ गया है तो हम गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। पालक को हम इस पानी में डालेंगे। स्पून की हेल्प से पालक को पानी में अच्छे से डिप कर देंगे और बीच बीच में चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट के लिए पालक को बॉईल कर लेंगे। पालक बॉईल हो गई है तो हम गैस को ऑफ करेंगे। बॉईल की हुई पालक को हम इस छन्नी में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। पालक थोड़ी ठंडी हो गई है तो हम मिक्सर जार में ये बॉईल की हुई पालक डालेंगे। 1/3 कप हरा धनिया डालेंगे। हरे धनिये से रायते का कलर और टेस्ट बहुत ही औसम आएगा। तो अब हम इसको बिना पानी डाले ही अच्छे से पीस लेंगे। पालक और धनिया को हमने एक साथ अच्छे से पीस लिया है तो अभी हम इसको अलग रख देते हैं। रायते के लिए हमने यहाँ पर 1/2 किलो बढ़िया गाढ़ा और एकदम फ्रेश दही लिया है। जब भी आप रायता बनाए तो इस चीज का ध्यान रखें कि दही एकदम फ्रेश हो और बहुत ज्यादा खट्टा ना हो। अब हम विस्क से दही को अच्छे से मथ लेंगे। दही को हमने अच्छे से मथ लिया है, अब इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे। पानी को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। आखिरी में 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। सारे मसालों को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले दही के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। हमने जो पालक पीस कर रखी है वो अब हम इसमें डाल देंगे। अब इस पालक के पेस्ट को भी हम दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पालक भी दही में अच्छे से मिक्स हो गई है और आप देख सकते हैं कि जो रायते का कलर है वो कितना बढ़िया आया है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। गैस को ऑन करके एकदम लो फ्लेम पर रखेंगे और तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है तो हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच राई, 1 छोटी चम्मच जीरा, गैस को ऑफ कर देंगे, हींग 1/2 छोटी चम्मच, 10 से 12 करी पत्ते। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तड़का तैयार हो गया है। अब इस तड़के को हम रायते में डालेंगे। तड़के को रायते में अच्छे से मिक्स करेंगे। रायता तैयार है, इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। रायते को हम केवल इन 2 धनिया के पत्तों से गार्निश करेंगे। आप रायते को अपने मनपसंद तरीके से गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। पालक का रायता तो है बनकर बिल्कुल तैयार। तो बस आप इसे अपने मनपसंद पुलाव, पूरी या फिर पराठों के साथ, और या फिर रोज के लंच या डिनर में आप इसको शामिल करें। ये आपके सिंपल से सिंपल खाने के स्वाद को भी बढ़ा देगा। आप इस सिंपल और पौष्टिक रायते की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।